इस बीच एक और बड़ी खबर हाथरस से। हाथरस केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। जी हां, जांच में चारों ही आरोपियों को दोषी पाया गया है और इन अभियुक्तों पर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और SC ST एक्ट में इन्हें दोषी करार दिया गया, दोषी पाया गया है इन्हें हाथरस मामले में। इस तरह से फिलहाल सीबीआई टीम की जो जांच पड़ताल है उसमें ये तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं। सीबीआई टीम ने अपनी जांच में चारों ही आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और SC ST एक्ट में दोषी पाया। आरोपित पक्ष के वकील मुन्ना लाल पुंडीर ने कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच में चारों आरोपी संदीप, रामू, रवि और लवकुश को दोषी पाया है। हाथरस न्यायालय के SC ST कोर्ट में अब केस की विवेचनाधिकारी सीमा पाहुजा ने टीम के साथ अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पिछले 2 महीने से सीबीआई की टीम लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र के बुलगड़ी गांव का पूरा मामला, तमाम तथ्य इस दौरान सीबीआई की टीम के द्वारा खंगाले गए और एक एक करके परत दर परत खोलने की बात कही गई है। और अब फिलहाल यह अपडेट कि चारों ही आरोपियों को सीबीआई की टीम ने दोषी पाया है। सुनील कुमार हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील, सीबीआई की टीम ने चारों ही आरोपियों को दोषी बताया है, अब आगे ये पूरा मामला किस तरफ, किस दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, ये हाथरस के चंदपा थाना है, यहाँ के गांव का मामला था। यहाँ पर ये एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में उपचार के लिए अलीगढ़ भर्ती कराया गया था। तो यहाँ से दिल्ली में जाकर के किशोरी की मौत हो जाती है, उसके बाद में ये मामला टूट पकड़ता है, उसके बाद में इसमें सीबीआई जाँच होती है। 2 महीने से जाँच कर रही सीबीआई टीम ने आज इस मामले की पूरी जाँच रिपोर्ट अपने कोर्ट में दाखिल की है, हाथरस के न्यायालय में, SC ST कोर्ट में। तो उसमें इन चारों आरोपियों को दोषी बताया गया, जिसमें ये इन पे सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और SC ST एक्ट के जो धाराएं वो लगाई गई हैं। और इस मामले की पूरी जानकारी जो आरोपी पक्ष के जो वकील थे मुन्नालाल पंडित, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इन चारों को दोषी पाया गया है। ठीक है, ऐसे में क्या पीड़ित परिवार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, सिर्फ मैं बताना चाहेंगे कि ये जो पीड़ित परिवार के जो भाई है, जो किशोरी का जो भाई था वो, और उसकी जो भाभी है, उसको भी टीम द्वारा, सीबीआई टीम द्वारा जहाँ कोर्ट में लाया गया है, और उनसे भी अंदर ले जाकर गए हैं। अंदर मीडिया को जाना अलाउड नहीं है और वो सारी जांच जो प्रक्रिया वो पूरी की जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील कुमार इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी अपडेट के लिए। इसमें जो संदीप, जो पहले इन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर दो लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डाइंग क्लोरेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। किन किन धाराओं में किया सर? ये 325 SC ST एक्ट है, 354 है, 376 A, 376 D। अच्छा, हत्या 302 में सर। तो इस तरह से आप सुन रहे थे मुन्नालाल पुंडीर को, आरोपित पक्ष के वकील, जिन्होंने जानकारी दी कि किन किन धाराओं के तहत इन चारों ही आरोपियों को सीबीआई टीम ने दोषी पाया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।